बेसिकली झारखंड से हूँ जी, और डेप्यूटी कलेक्टर हूँ जी सर। मैं सर इसको पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ इस बिजनेस को जी, अपनी मिसेज के नाम से, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो मैं जितने भी यहाँ ग्रेट लीडर्स हैं उनसे एक के बात करना चाहता हूँ सर, कि आप लोग भी सर्विस होल्डर के पास में जाते होंगे, उनको नॉक करते होंगे जी, आपके पास में भी समस्याएं आती होंगी, सर्विस होल्डर जनरली इसको मना कर देते हैं। तो आप लोगों को सर मैं एक आइडिया शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों के लिए वो बेटर साबित हो सकता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा जी। जैसे आप सर्विस होल्डर के पास जाते हैं सर, वो मना करते हैं, तो आप उनसे केवल एक सवाल पूछें कि आपको जो सुख सुविधा दी गई है, जैसे अभी मेरी ही बात करते हैं सर, मेरे पास गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर जाकर सारे कुछ है जी, लेकिन सर ये कब तक रहेगा? जब तक मैं सर्विस में रहूंगा सर तभी तक, और जैसे मैं रिटायर करता हूँ सर मैं जीरो हो जाऊंगा, तो जीरो हो जाऊंगा सर उस समय मुझे सुरक्षा कवच नाम का कोई चीज नहीं बचता है, क्योंकि झारखंड में सर 2004 के बाद में हमें पेंशन भी नहीं मिलेगी, वेतन खत्म, पेंशन खत्म, और इनकेस हमारे बच्चों की सर लाख कोशिश के बावजूद भी जॉब नहीं लगती है, और रिटायरमेंट के बाद बच्चे बोलते हैं कि पापा मुझे 40 लाख 50 लाख रुपए दे दो, अब मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं तो सर देने की स्थिति में नहीं रहूंगा। अगर ये इस बिजनेस को मैं 5 साल 6 साल बढ़िया से बिल्ड कर लेता हूँ सर, अगर बच्चों की नौकरी इनकेस ना लग पाई तो सर मैं एज इट इज इस बिजनेस को तो ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये बात अगर आप लोग भी अधिकारियों को या जो भी सर्विस होल्डर है सर उनको अगर आप सजेस्ट करेंगे तो सर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मतलब इसको समझेंगे और आएंगे। दूसरी बात है सर, जैसा कि कैलकुलेशन की बात हो रही थी सर, मुझे कैलकुलेशन कुछ भी नहीं आता है। मैं सिर्फ इस सिद्धांत पे काम करता हूँ कि जितना भी हम मतलब जितना से जितना अधिक हम अपने डाउनलाइन में लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं, अचीवर क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी लेवल से मुझे पैसे आएंगे। जैसे सर ने अभी बहुत विस्तार से कैलकुलेशन की बातें बतलाई, बहुत अच्छा भी लगा, कुछ कुछ मुझे सीखने को भी मिला, लेकिन मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं रहता है, टाइम की पाबंदियां हैं, इसलिए मैं कैलकुलेशन पे जोर नहीं दे पाता हूँ सर, और मैं लीडर्स बनाने के पीछे लगा हुआ रहता हूँ। जितने अधिक लीडर्स रहेंगे सर मेरे डाउनलाइन में, उतना मेरा इक्विपमेंट आएगा सर, उतना ही पैसा आएगा। कैलकुलेशन कुछ कुछ वक्ताओं ने सही कहा कि कैलकुलेशन करना कंपनी का काम है, कंपनी तो एक बार कैलकुलेशन करके सारा कुछ 10 तारीख को डाल देती है, तो उसके पीछे हम क्यों अपना माथापच्ची करें? तो मुझे भी लगता है कि उसके पीछे बहुत ज्यादा माथापच्ची करने से ज्यादा फायदा नहीं है। आप लोगों को कितना अधिक मोटिवेट कर सकते हैं, इस बिजनेस के बारे में कितना अधिक समझा सकते हैं, सबसे ज्यादा इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कुछ एक बात बोलूंगा, मुझे एकदम से याद आ गई और उसके बाद मैं अपनी बात को एंड करूंगा। और कि मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जो आप कह रहे हैं, उसी बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जिनसे मिला और मिलने के बाद मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनसे ऐसी वो अपना मोबाइल जो होता है ना वो बटन वाला नॉर्मल, आप तो बहुत एजुकेटेड है, आप डिफरेंट फील्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, लेकिन मैं सबके बेनिफिट यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि वो ऐसा नॉर्मल मोबाइल यूज करते थे, वो एंड्रॉयड फोन या इस तरीके के स्मार्टफोन यूज नहीं करते थे। तो हमने कहा क्यों नहीं करते, तो बोले मुझे चलाना नहीं आता, रखा है फोन आता है तो रिसीव कर लेता हूँ। तो हमने कहा मोबाइल नहीं चलाना आता, उसमें इतनी आपकी सुविधाएं इतनी है, तो बोले नहीं मुझे नहीं आता। ठीक है, तो हमने कहा कि सर लैपटॉप, बोले हाँ वो भी है, हमने कहा वो तो चला लेते होंगे, बोले नहीं सर हमें अपने इंग्लिश इतनी मेरी अच्छी नहीं है, मुझे ज्यादा वो भी चलाना नहीं आता। हमने कहा आपको लैपटॉप चलाना भी नहीं आता, बोले हाँ, आपके तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं, बोले हाँ हमने ज्यादा पढ़ी नहीं सर, हम कम पढ़े हुए हैं, तो हमें इंग्लिश भी मेरी अच्छी नहीं है, तो लैपटॉप भी चलाना नहीं आता। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, क्योंकि बहुत क्लोज हैं, मिलते हैं, अच्छे लीडर हैं, तो जैसे ही बात में उनसे पूछ लिया, तो हमने कहा तो फिर आपको आता क्या है? तो कहते सर मेरे अकाउंट में पैसा आता है, कहते मुझे और कुछ नहीं आता, मुझे पैसा आता, फोकस पे काम करना आता है और मेरे अकाउंट में पैसा आता है।